वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से पेडागॉजी मास्टर सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पेडागॉजी के बहुत ही सारे बहुत ही अच्छे लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनसे होंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ फॉर एज इन लर्निंग। बड़ा मतलब फेमस टॉपिक है, जिसको देखो पूछ रहा होता है। हालांकि इसकी अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम लोगों की गलत बनी हुई है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से नहीं पढ़ा। हाँ जी, अब इसके ना अगेन मैं फैक्ट बोल ही देता हूं, बहुत लोग इसके क्वेश्चन गलत करते हैं। रीजन भी है उसका, रीजन ये है कि लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं। कहां से पढ़ना है ये? सीसीई मैनुअल बाय सीबीएसई। तो सीबीएसई ने सीसीई मैनुअल रिलीज किया, उसमें ये अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक। थोड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट है, बट पढ़िए, उसको सीखने को मिलेगा। और अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि सही चीजें क्या होती हैं। YouTube पे बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने वाले, ठीक है, बहुत सारे हैं, बट इसको पढ़ के नहीं आए वो, इसलिए वो आंसर अक्सर गलत बताते हैं। ये पढ़ के आएंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सही आंसर है। तो YouTube के भरोसे मत बैठिए, असली डॉक्यूमेंट को पढ़िए, फिर आपको लगेगा कि हाँ, जो बताया जा रहा है वो सही है। बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं, सर आपने इसका आंसर ये गलत बता दिया, फला फला यूट्यूबर ने ये बताया है, उसके आपसे 10 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो भाई उनकी सुन लो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट असली डॉक्यूमेंट पढ़ के आते हैं हम और उसके बेसिस पे आंसर बताते हैं हम। आपको नहीं मानना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम सही आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है और वापिस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है? इसका आंसर, जो सही आंसर है वो है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर 4। बट लोग कहते हैं कि सर नहीं, इसका आकलन है सीखने का आकलन। लोगों का लॉजिक सुनिए, मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आपका भी ऐसा लॉजिक हो। पहले दोनों तो गलत है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, लोग कहते हैं कि सर देखो, पहले लेके गई फिर वापिस ले आई, हाँ वापिस आने के बाद, देखा ना, वापिस आने पर, तो आने के बाद कर रही है, मतलब एंड में कर रही है, तो एंड में करने तो जो करा जाता है उसको तो सीखने का आकलन बोलते हैं ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हे प्रभु, ध्यान से सुनिएगा, जो मेथड यूज किया जा रहा है उसको देखिए, भ्रमण पे से आने के बाद चर्चा कर रही है। सीखने के आकलन में चर्चाएं नहीं की जाती, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, इसमें चर्चाएं नहीं की जाती, चर्चा की जाती है इसमें, ठीक है। तो सीखने के लिए आकलन है, इसलिए सीखने के लिए आकलन और सीखने के लिए ही रहेगा। गलत चीज को 1000 यूट्यूबर भी अगर सही बोल दें, उसके बावजूद भी वो गलत ही रहेगी, समझिए, क्योंकि सही यहां लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। तो हम इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आंसर बता रहे हैं, बाकी आपकी श्रद्धा है, पेपर आपका खराब होगा, हमारा नहीं, हमें आंसर पता है क्या है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचर यूजेस अ डाइस लेबल डिस्क्राइब प्रिडिक्ट एक्सप्लेन समराइज डीकंस्ट्रक्ट एंड इवैल्यूएट, ठीक है। तो एक डाइस है, जैसे होता है ना 1 2 3 4 लिखा होता है, उस पर ये लिखा हुआ है। ईच टाइम आफ्टर अ टॉपिक इज कंप्लीट, जब टॉपिक कंप्लीट होता है टीचर डाइस फेंकती है एंड आस्क स्टूडेंट्स टू आंसर अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द डाइस। तो मान लो फेंका डाइस और डाइस पे आया प्रिडिक्ट, फिर टीचर एक प्रिडिक्शन वाला क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। दूसरे बच्चे के लिए डाइस फेंका, डाइस पे आया समराइज, और टीचर बोलती है इस चीज को समराइज करो, ठीक है। तो ये क्या है, ये टीचर कर क्या रही है? कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, सही है। प्रोवोकिंग थॉट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है, डाइवर्सिफाइंग थॉट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, फिनिशिंग हिज हर लेसन इन स्टाइल, ये तो बिल्कुल नहीं है कि स्टाइल से अपना लेसन खत्म कर रही है। बेस्ट आंसर, ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट आंसर जो हो सकता है, यहां पे अलग अलग वर्ड्स दिया है ना, डिस्क्राइब प्रिडिक्ट एक्सप्लेन समराइज डीकंस्ट्रक्ट इवैल्यूएट, अलग अलग, तो बच्चे अलग अलग तरह से सोच पाए, ये करा जा रहा है, जाहिर सी बात है, इसलिए बेस्ट आंसर होगा डाइवर्सिफाइंग द थॉट प्रोसेस, ये बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। हालांकि इसके साथ साथ हो ये दोनों भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है, गलत नहीं है, बेस्ट आंसर ये है। इसके अंदर फॉर्मेटिव भी हो रहा है, इसके अंदर थॉट प्रोसेस भी बढ़ रहा है, तो बेस्ट यही है, डाइवर्सिफाई कर रही है थॉट प्रोसेस को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, तो किसका ध्यान नहीं रखता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीखने के लिए है ना, सीखने के लिए सिखाना चाहते हैं,
तो विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का हम ध्यान रखेंगे कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उनकी क्षमताओं का ध्यान पता नहीं रखेंगे कि नहीं, बट आवश्यकता का ध्यान जरूर रखेंगे क्योंकि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। त्रुटियों का तो जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि हम उन त्रुटियों को ही तो सुधारना चाहते हैं। बट सुनिए, यह सीखने के लिए आकलन, तो के लिए क्षमताओं पर फोकस नहीं करता, क्षमताओं पर फोकस करता है सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एबिलिटीज पे नहीं। एबिलिटीज के अलावा सब चीजों पर फोकस करता है क्योंकि एबिलिटीज तो पता चल ही जाएंगी, जब हमें यह पता चलेगा गलतियां क्या है तो उनको सुधार देंगे, एबिलिटीज तो बढ़ जाएंगी ना। बढ़ाना चाहते हैं, सीखने के लिए आकलन है, बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दो ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, आपको बताया जब भी दो ब्लैंक हो पुट करके देखो, चारों ऑप्शन पुट करके देखो, आपको आंसर अपने आप पता चलेगा बशर्ते आप सही सेंटेंस समझ पाओ। इसका आंसर है असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द कनेक्शंस बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, पुट करके देखो दोनों ऑप्शन, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चन में, बस ऑप्शंस पुट करने होते हैं, दो ब्लैंक वाले में ऑप्शंस पुट करना, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही बनी हुई है स्टेटमेंट पढ़ के आप बता पाओगे कि क्या सही है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो सब में सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, मतलब असेसमेंट फॉर एज लर्निंग की बात हुई है। As learning, अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ोगे जो मैंने आपको बताया, और वही डॉक्यूमेंट से मैंने बुक में भी लिखा हुआ है, अलग नहीं है बुक में भी, या जो मैंने वीडियो डाली हुई है वो भी उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें पता चलेंगी कि असेसमेंट एज लर्निंग में होता क्या है, कि असेसमेंट एज लर्निंग में टीचर का रोल कम हो जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग में स्टूडेंट का रोल बढ़ जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग में सेल्फ असेसमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग में पीयर असेसमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। पहला कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, ये गलत है। टीचर का रोल कम हो चुका है असेसमेंट एज लर्निंग में। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठभूमि के लिए कहना बिल्कुल ठीक, इंटरनल फीडबैक, इंटरनल फीडबैक का मतलब है सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट। टीचर नहीं कर रहा है, बच्चा है तो खुद कमियां पहचान रहा है या उसके दोस्त से कह रहा है कि तुम बताओ क्या गलत है इसमें। तो ये होना चाहिए आंसर। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, तो ये वातावरण का निर्माण करना और भी बहुत जगह हो सकता है, मतलब पर्टिकुलरली इसके लिए नहीं है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, क्वेश्चन था कि क्या सही नहीं है, ध्यान से सुनेगा, तो दूसरा तो पक्का सही है, ये भी हो सकता है सही, ये भी हो सकता है सही, हालांकि ये दोनों बहुत अच्छे नहीं है, मतलब अगर पूछा जाता है इन चारों में से कौन सा एक सही है तो आंसर दूसरा होता है, ये इकलौता सही है, ये थोड़े कम सही है, बट पूछा गलत कौन सा है ना डैश के अतिरिक्त, तो गलत कौन सा, गलत पहला वाला है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसके अतिरिक्त सब होता है असेसमेंट एज लर्निंग में, पहले के अतिरिक्त सब होता है, तो बेस्ट आंसर हो गया पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इस मामले में कि मैक्सिमम लोग गलत करते हैं इसका आंसर, मुझे पता है इसका आंसर यूट्यूब पे बहुत लोग क्या बताते हैं, पर अगर आप भी ऐसे लोगों की वीडियो देखते हैं तो उनको सलाह दे दीजिएगा कि बेटा सीसी डॉक्यूमेंट पढ़ के आओ, ठीक है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया तो सीसी डॉक्यूमेंट सबसे बढ़िया चीज है जो बताती है आंसर क्या है। सीसी डॉक्यूमेंट एक चीज जो कि उसमें लिखी हुई है, जबकि मैंने अपनी बुक में भी लिखी और वीडियो में भी बताई है, कि सेल्फ असेसमेंट, खुद अपना असेसमेंट करना असेसमेंट एज लर्निंग का पार्ट है। क्वेश्चन में बोला गया व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग कर रहा है कुक, खुद ही अपना खाना टेस्ट कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, तो सेल्फ असेसमेंट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, खोल के पढ़ो तो वहां पे लिखा हुआ है कि असेसमेंट एज लर्निंग में सेल्फ असेसमेंट किया जाता है, फॉर में नहीं किया जाता। मुझे पता है मैक्सिमम जगह इसका आंसर फॉर है, मैक्सिमम यूट्यूबर्स इसका आंसर फॉर बता रहे हैं, बट सीसीई डॉक्यूमेंट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि असेसमेंट एज लर्निंग में हम सेल्फ असेसमेंट को एनकरेज करते हैं, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, पढ़िए तो, मगर लोग पढ़ते नहीं है, बस थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ गए यूट्यूब पे तो अपने आप को 30 मार्क का समझने लगते, तो पढ़िए तो भाई, किसी ने रोका थोड़ी है आपको पढ़ने से, बड़े बन जाएंगे तो भी पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे, पढ़िए। आप लोग भी आंख बंद करके विश्वास करते हैं, आप लोगों की भी अलग ही प्रॉब्लम है, आंसर ये है और यही रहेगा। अगेन, एक गलत चीज को 1000 लोग भी सही कहें उसके बावजूद भी वो गलत ही रहेगी, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका आंसर नहीं है, नहीं था, नहीं रहेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर फला फला क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था,
और आंसर की में तो यही दिया हुआ है। अरे भाई आंसर की बनाने वाला भी गलती कर सकता है, बट आप उसको चैलेंज तो एक ऑथेंटिक सोर्स पे कर पाओगे ना, तो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ो, उसके बेसिस पे चैलेंज भी किया जा सकता है, आंसर उनको चेंज करना पड़ेगा जिसने गलत दिया है, ठीक है। और वैसे सारी ऑर्गेनाइजेशन गलत देती है आंसर हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, 10% तो मार्जिन लेके चलना कि अगर आपको कितने नंबर लाने हैं, लाइक आपको 100 नंबर लाने हैं तो 110 का सही करके आओ, 10 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन भी गलत दे सकती है, समझिए इस बात को, नए हो इस फील्ड में इसलिए हो सकता है अजीब लग रही हो ये चीजें, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, टीचर कलेक्ट एंड रीड द वर्क्स ऑफ क्लास एंड प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट। टीचर ने क्या किया, बच्चों के काम को देखा, उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग को चेंज कर लिया, ये है फॉर लर्निंग असेसमेंट, फॉर लर्निंग जहां पे टीचर चेंज करता है अपने पढ़ाने के तरीके को बच्चों की परफॉर्मेंस को देखते हुए, ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फॉर लर्निंग में टीचर इंपॉर्टेंट है, एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, अभी प्रेरणा को बढ़ावा देता है बात तो ठीक है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन से किया जाता है गलत है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देता है गलत है, विशिष्ट होता है अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है गलत है, ये एज लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग, ये दोनों जो है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ये वाला फॉर लर्निंग है, ऑप्शन है 1, ठीक है, तो ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग कैसे होती है, अगेन क्वेश्चन है फॉर लर्निंग, टीचर असेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट बिसाइड फोकसिंग ऑन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। बात तो सही है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। टीचर असेस स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेस टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं होता, कंपेयर करने जैसा नहीं होता फॉर लर्निंग में। टीचर असेस स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेक्स्ट बुक, ऐसा भी नहीं होता, ये सब ऑफ लर्निंग में होता है। टीचर असेस स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर, तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत है, दूसरों के साथ कंपेयर तो हम बिल्कुल नहीं करते। और ये जो दो हैं ये होते हैं ऑफ लर्निंग में, और ये जो है ये होता है फॉर लर्निंग में। तो बेस्ट आंसर हो गया फर्स्ट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, फोकस करते हैं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्योंकि बच्चे कैसे सोचते हैं इस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, बात तो ठीक है, टीचर कर सकते हैं ना, देखो इन्हीं दोनों में तो टीचर इंपॉर्टेंट है, इन दो में टीचर इंपॉर्टेंट है, आगे जाके टीचर की वैल्यू कम हो जाएगी। असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में तो पूरी तरह से टीचर ही है, तो कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं, बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, बात तो ठीक है, टीचर को इन द एंड करना तो यही है बच्चों की लर्निंग को सुधारना है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, ये नहीं है कि हमेशा थोड़े टाइम में उसका आकलन करते रहो, इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग मेन एम है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने में अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, ये भी कहना गलत ही है, बच्चों की प्रगति और उनकी उपलब्धि का स्तर जानने में, तो ये भी उतना अच्छा नहीं है, ये सिर्फ एक की बात कर रहा है और यहाँ पे दोनों दिए हैं, सीखने के लिए सीखने के दोनों दिए हैं, तो दोनों का आंसर ये होना चाहिए, दोनों चीजें इंक्लूड करेंगे, ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है कह सकते हैं, बढ़ भी सकता नहीं भी बढ़ सकता, डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, ये बिल्कुल ठीक है कि किया जाता है इसी पर्पस से किया जाता है ना ऑफ लर्निंग, तो एम्फेसाइज द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड, ये भी ठीक है, ग्रेड पे इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक्सक्लूसिव एंड पर से असेसमेंट एक्टिविटी तो असेसमेंट एज लर्निंग है, ठीक है। मोटिवेशन जरूरी नहीं है बढ़ाए तो हम इसको 100% श्योर होकर नहीं कह सकते, अब यहां देखो दो ही सिलेक्ट करने हैं तो दो हमने चूज कर लिए, बी एंड सी, आंसर होगी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है, तो कौन सा कथन सही है आकलन अधिगम युक्तियों के लिए। आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए किया जाता है, गलत है, कितना गलत है कि पास फेल का ठप्पा लगा दो, अच्छे या बेकार बच्चे का ठप्पा लगा दो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण
के लिए किया जाता है, ये सही है, भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों को बनाने के लिए किया जाता है, सही है। बट हम बाकी भी देखते हैं, अभिभावकों शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि का प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, गलत है। आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना चाहिए, ये भी गलत है, हमेशा साथ साथ चलना चाहिए। लर्निंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, एंड द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग इज असेसमेंट, तो असेसमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमें सोचना है, तो बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट, सबसे सही तरीका कौन सा है। असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ सेशन, नहीं, ये तो फॉर ऑफ लर्निंग है। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग, ये होना चाहिए आंसर। असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस, ऐसा भी कुछ नहीं है। असेसमेंट शुड बी डन फॉर एक्सटर्नल एजेंसी नॉट बाय टीचर, गलत, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बेस्ट आंसर इज इनबिल्ट होना चाहिए, लर्निंग के साथ साथ चलना चाहिए, और इसी को बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। एंड में होने वाला होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, कहां पे सहायता करता है। तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि मतलब उन्होंने क्या अचीव किया। तो पहला कह रहे हैं शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभाव की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करता है, बात तो ठीक है भाई, बच्चे किस हद तक अच्छा कर पा रहे हैं यही तो बता रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना अच्छा है, तो ये होना चाहिए। कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की के क्षमता समूह बनाने में, ये तो करना नहीं है। शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, इसका सिर्फ सूची तैयार करने से थोड़ी होता है काम। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, रिकॉर्ड रखना इंपॉर्टेंट है बट सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि पता चले कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चला वो कितना इफेक्टिव था, उसकी इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए। तो बेस्ट आंसर ये है, ठीक है। तो असेसमेंट एंड लर्निंग में तीसरी वीडियो भी यहाँ पे खत्म होती है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, अगेन बता रहा हूँ अगर आप ये टॉपिक अपना अच्छा करना चाहते हैं तो पढ़िए सीसीई मैनुअल बाय सीबीएसई, पूरा असेसमेंट का जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ कह लो इसको, यही है और कुछ नहीं है। तो बढ़िया चीज है ये, अगर जानना है कि सही नॉलेज कहाँ से मिलती है तो यहाँ से मिलती है असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट का एकमात्र ऑथेंटिक सोर्स यही है और कोई नहीं है, तो प्लीज़ इसको पढ़िए, सीखने को मिलेगा।